हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्पिंग हैंड्स किचन। आज हम बनाएंगे चिली सोयाबीन। चिली सोयाबीन बनाने के लिए हमको ये सब सामग्री का जरूरत होगा। मैं यहाँ पे ली हूँ सोयाबीन, बारीक काट के रखी हूँ प्याज, गार्लिक और कैप्सिकम। जिंजर गार्लिक को भी मैं यहाँ पे पेस्ट बना के रखी हूँ। थोड़ा सा रेड चिली डाली थी इसलिए आपको ये रेड कलर दिख रहा होगा। यहाँ पे ली हूँ मैं सॉसेस, टमाटो सॉस 2 टेबलस्पून, चिली सॉस 1 टेबलस्पून और सोया सॉस 1/2 टेबलस्पून। फिर मैं यहाँ पे ली हूँ विनेगर, अजीनोमोटो ये ऑप्शनल है, स्वाद के अनुसार रेड चिली पाउडर और नमक। फिर हम इसको गोल बनाने के लिए मैं यहाँ पे ली हूँ 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और 1 टेबलस्पून मैदा। तो चलिए ये प्रोसेस को बनाना शुरू करते हैं। पहले हम एक कटोरी में या बर्तन में पानी को थोड़ा गर्म कर लेंगे और इसमें थोड़ा उबाल आने तक वेट करेंगे। इस पे हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे और पहले सोयाबीन को हम अच्छे से बॉईल कर लेंगे। आप देख रहे हैं पानी अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे सोयाबीन। इसको ऐसे पानी में भिगा के रखेंगे सबको। करीब 10 मिनट्स तक हम इसको गर्म पानी में ऐसे भिगो के रखने देंगे। आप देख रहे हैं सोयाबीन अच्छे से फूल गया है। अभी हम इसको निकाल लेंगे। आप देख रहे हैं मैं यहाँ पे सारे सोयाबीन को निचोड़ के अच्छे से ड्राई करके ठंडा करके ले ली हूँ। अभी हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। फिर मैं इसमें डालूंगी कॉर्नफ्लोर और मैदा। थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा नमक। याद रखिए हम सोयाबीन को नमक के साथ बॉईल किए थे तो उस हिसाब से हम यहाँ पे नमक डालेंगे और फिर इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख रहे हैं मैं इसको अच्छे से मिला ली हूँ। इसमें हमको बिल्कुल भी पानी यूज नहीं करना है। आप देख रहे हैं इसमें हल्का सा कोटिंग भी आ गया है। सोयाबीन में ज्यादा कोटिंग अच्छा नहीं लगेगा इसलिए मैं इसको थोड़ा सा ही कोटिंग दी हूँ। अभी मेरा ऑयल भी गर्म हो गया है। अभी हम इसमें एक एक करके डाल के इसको छान लेंगे। मैं यहाँ पे सोयाबीन डालती हूँ। इसको करीब 2-3 मिनट्स तक फ्राई करेंगे। जब इसका अच्छे से कोटिंग आ जाएगा तब इसको हम निकाल लेंगे। आप देख रहे हैं सोयाबीन का कलर चेंज हो गया है। अभी हम इसको निकाल लेंगे। मैं सेम प्रोसेस में सारे सोयाबीन को इसे फ्राई करके रखती हूँ। चलिए हम बनाना शुरू करते हैं इसका चिली। चिली बनाने के लिए मैं कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ऑयल ले रही हूँ। ऑयल को हम थोड़ा गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। ऑयल अभी गर्म हो गया है। अब मैं इसमें डालूंगी बारीक काट के रखा हुआ लहसुन। अगर आपको चिल्ली पसंद है तो आप इस पे ग्रीन चिल्ली डाल सकते हैं। मुझे तीखा ज़्यादा नहीं पसंद है इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। आप देख रहे हैं इस गार्लिक का थोड़ा सा कलर चेंज होने के लिए आया है। अभी मैं इसमें डालूंगी कटा हुआ रखा कैप्सिकम और प्याज। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको 2 मिनट तक हाई फ्लेम में ऐसे चलाते रहेंगे। आप देख रहे हैं ऑनियन अच्छे से फ्राई हो गया है। अभी मैं इसमें डालूंगी करीब 1/2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसको अच्छे से मिला लेंगे। आप देख रहे हैं मसाला अच्छे से फ्राई हो गया है। अभी मैं इसमें डालूंगी अजीनोमोटो। मैं यहाँ पे 1 टेबलस्पून ली हूँ। इसको फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
अब देख रहे हैं मसाला अच्छे से भुन गया है, प्याज भी हमारा अच्छे से भुन गया है। अभी मैं इसमें डालूंगी मिक्स करके रखा हुआ सॉसेस। मैं इस पे थोड़ा पानी डाली थी ग्रेवी कंसिस्टेंसी लाने के लिए। अभी हम इसको 2 मिनट तक ऐसे चलाएंगे हाई फ्लेम में। आप देख रहे हैं इस पे बबल्स आ गए हैं। मैं इसमें डालूंगी करीब 1 टेबलस्पून विनेगर। विनेगर डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे फ्राई करके रखा हुआ चिली सोयाबीन बनाने के लिए सोयाबीन। सोयाबीन डाल के मैं इसको अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। अभी मैं इसको थोड़ा स्टिकी कंसिस्टेंसी लाने के लिए करीब 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर में थोड़ा सा पानी मिला के इसमें डालूंगी। और अब इसको अच्छे से मिला लेंगे। इसको ऐसे ही थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देंगे करीब 2 मिनट्स। देखिए चिली सोयाबीन हमारा बनके बिल्कुल तैयार हो गया है। अगर आपको ग्रेवी चाहिए तो आप इसमें थोड़ा और पानी डाल सकते हैं। मुझे ऐसे सेमी ग्रेवी पसंद है। लग रहा है ना सुंदर और यम्मी? आप ये रेसिपी को अपने घर पे जरूर ट्राई करके बनाइएगा और मुझे अपना कमेंट्स जरूर बताना। ऐसे यम्मी रेसिपीज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।